नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल के सुबह 9 बजे से या दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में कुछ ऐसे बड़ी घटनाएं होंगे, कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिन्हें जानकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। या दोस्तों दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय बुधवार का दिन होगा, यानी कि भगवान श्री गणेश जी का दिन होगा। जी दोस्तों, और ज्योतिष शास्त्र में भगवान श्री गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के कारक माने गए हैं। जिनके भी जीवन काल में इनकी कृपा हो जाए उनका बेड़ा पार है। जी दोस्तों, और यश में आप सभी के जीवन की बेड़ा पार स्वयं श्री गणेश जी लगाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह बुधवार का दिन आप सभी के जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली है, बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां यह बुधवार आप सभी के लिए लेकर आया है जिन्हें जानकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी दोस्तों, शादी दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको एक कार्य को करने से बचने होंगे और यह क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की भी अत्यंत आवश्यकता होगी। यश में दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार, क्या बड़े सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी लिखेगा, गुरु जी का और भगवान श्री गणेश जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आप भावनात्मक रूप से स्वयं को सशक्त महसूस करने वाले हैं। दोस्तों यश में सभी परेशानियों का हल आप बुद्धिमत्ता और विवेक तरीके से ढूंढ लेंगे। और दोस्तों यश में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जल्दबाजी में लिए हुए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। कि दोस्तों यश में बेहतर होगा कि सोच समझ कर ही किसी कार्य को करें। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए फिर से खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों यश में अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में कुछ कुंठा भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने विचारों में ही बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। हर छोटी बात को लेकर आप जो है अधिक तनाव में जाने की वजह से अपने काम करने की प्रेरणा आपको जो है नहीं मिल रही है दोस्तों, जिसकी वजह से समस्याएं अधिक बढ़ रही है। दोस्तों काम को वक्त पर ना पूरा होने की वजह से आपको अधिक तनाव का भी सामना यह समय करना पड़ सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे। इसलिए दोस्तों प्रयासरत रहें, पिछले कुछ समय से जो भी दीर्घकालीन योजनाएं बनाई थी दोस्तों उन लक्ष्यों को हासिल करने का उचित समय होगा। युवा वर्गों को भी यश में कोई अच्छी सफलता हासिल होने से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ने वाले हैं। शादी दोस्तों यश में ध्यान रखें कि आपकी भावनाओं तथा उदारता का गलत फायदा भी कोई उठा सकता है। आर्थिक रूप से कुछ उलझन तथा समस्याएं उभरेगी। दोस्तों किसी के साथ संपर्क स्थापित करने का जो आपका सोच है इसमें अच्छा है, लेकिन दोस्तों यश में आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि काम संबंधी सभी योजनाएं यश में सफल रहेंगी और सारे काम आपके यश में पूरे होंगे। इसलिए दोस्तों यश में योजना के अनुसार ही काम को पूरा करने की जिद को दूर रखना आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए जो समय होंगे धन के मामले में श्रेष्ठ समय होगा। धन में सुधार संबंधी कोई योजनाएं बनाते समय वास्तु के नियमों का आप अवश्य पालन करें। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में कुछ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होगा तथा आप अपने आप को तनाव मुक्त से महसूस करेंगे। इसके उपरांत शेष में किसी के साथ भी अधिक वाद विवाद में ना पड़े दोस्तों, इससे जो है खुद की मानहानि भी होना संभव होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी यश में बढ़ने वाली है, परंतु आप उन्हें निभाने में सक्षम भी रहेंगे। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें,
अगर इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें, घर में कोई धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है। आपकी सामाजिक और धार्मिक दोनों कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। लोगों के साथ मिले जुले रहने की वजह से मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि समय मान प्रतिष्ठा वर्धक रहेगा। रुकावटें तथा बाधाओं के बावजूद भी आप अपनी पर महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अपने आसपास के सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपको अपने मानसिक रूप से बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करेंगे। शानदार समय इससे व्यतीत होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आप जो है अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। बच्चों को ज़्यादा ढीला ना छोड़ें, अन्यथा उनकी वजह से जो है नकारात्मक गतिविधि भी बढ़ सकती है। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि काम से संबंधित भागदौड़ यश में बढ़ सकती है। काम भले ही प्रगति की ओर जा रहा है, फिर भी दोस्तों सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। यश में आपको बता दें कि अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करने की वजह से शारीरिक तकलीफों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। मन के साथ साथ शरीर का भी आपको आराम देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर यानी आपके व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। कुछ अनुभवी व्यक्ति की सलाह का अनुसरण अवश्य करें। शेयर बाजार तथा तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वालों के लिए सावधानी अवश्य रखें। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, कार्य विस्तार की योजना पर अधिक निवेश करने आपके लिए फायदेमंद रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में सभी काम सुचारू रूप से चलते भी रहेंगे, परंतु दोस्तों दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं ही कार्य को निपटाने का प्रयास करें, तभी आप जाकर सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आप अपनी योग्यता के अनुसार उच्चतर परिणाम भी यश में हासिल करने वाले हैं। नौकरी में सकारात्मक स्थायित्व बना रहेगा। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। ये जो समय होंगे आपके लिए व्यवसायिक संबंधी अपनी जो है कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किए हैं उनका उचित परिणाम भी इसमें हासिल होने वाले हैं। दोस्तों नौकरी में लक्ष्य तथा टारगेट को पूरा करने का दबाव भी इसमें आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में अगर आप अपने कार्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित करेंगे तो अच्छी सफलता को हासिल करेंगे और इन पर आप खरा उतरेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कारोबार में मनोवांछित परिणाम भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जल्दी कामयाबी की चाह में गलत रास्ते का चुनाव ना करें। राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य दोपहर से पहले ही आप निपटा लें तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी की वजह से तकरार की उत्पन्न हो सकती है और दोस्तों एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना आपके यश में अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी तथा परिवार के साथ घूमने फिरने तथा मनोरंजन में समय भी व्यतीत होगा। किसी भी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी कोई उत्तम रिश्ता भी आ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जीवन साथी व फिर पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी यश में विवाह संबंधी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहने वाली है। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति को जैसे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। आपसे आत्मविश्वास व प्रेम को बनाए रखना यश में आपके लिए आपके लव लाइफ के लिए जरूरी होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों खांसी जुकाम व फिर एलर्जी जैसी दिक्कत रह सकती है। ठंड से अपना बचाव करें तथा प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें, अधिक से अधिक उपयोग करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में गैस वायु आदि की वजह से जोड़ों में दर्द व फिर बेचैनी की समस्या भी रह सकती है। अपने खान पान को व्यवस्थित रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु अपनी दिनचर्या तथा खान पान को उचित बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगी।